हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं लेआउट ऑफ एक्सरे और इसमें एआरबी का क्या रोल होता है, और एक्सरे इंस्टॉलेशन के लिए अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाली है वैसे तो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। आप भले ही बीएससी आरआईटी कर रहे हो या डिप्लोमा इन रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कर रहे हो, सभी के अंदर ये आएगा कि लेआउट ऑफ एक्सरे क्या होता है, और ये एग्ज़ाम में भी वन ऑफ द मेन क्वेश्चन रहता है, और ये आता ही आता है, भले ही इंटरनल के अंदर आए, हो सकता है कि आपके एक्सटर्नल में। तो अपन वन बाय वन देखेंगे कि कैसे एक्सरे रूम का लेआउट होता है, एआरबी क्या होती है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड क्या होता है, और इसके बाद में इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है रेडिएशन फील्ड के अंदर, देन कि आपको अगर एक एक्सरे रूम इंस्टॉल करना है तो उसके अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अपन वन बाय वन देखते हैं। स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा मॉडल लेआउट एक्सरे इंस्टॉलेशन, ये आपको एआरबी का साइन दिखाया गया है। फैमिलियर हो जाइए इस साइन को, क्योंकि आपको अब से ये, अगर आपने रेडिएशन का फील्ड चूज़ कर लिया है तो AERB और BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये दो जो इंडिया के अंदर है, ये दो एजेंसीज हैं जो अपने को एटॉमिक एनर्जी और जो अपने मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उन पे सब पे अपने को गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, AERB का फुल फॉर्म क्या हो गया, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AERB, ये आपको फैमिलियर करवाने के लिए थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं, द मिशन ऑफ द AERB इज टू एंश्योर द यूज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डज नॉट कोज अनड्यू रिस्क टू द हेल्थ ऑफ पीपल एंड द एनवायरमेंट। AERB, अब होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ AERB, एक हो गया इम्पोर्टेंस, एक हो गया फंक्शन, अपन इसको वर्क भी बोल सकते हैं। AERB का क्या काम है, फंक्शन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसको अगर अपन लेके चले तो अपन देखते हैं कि AERB आयोनाइजिंग रेडिएशन जो आपको दिखाया गया है, आयोनाइजिंग रेडिएशन से आप अगर अभी तक फैमिलियर नहीं हुए हैं तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होता है कि आपके शरीर के अंदर जाके वो फ्री रेडिकल्स या आयन प्रोड्यूस करे, उसको अपन आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से इसके अंदर रेफर किया गया है कि जितने भी न्यूक्लियर एक्टिविटी है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न, ये जो जितने भी प्रोसेस होती है न्यूक्लियर से रिलेटेड, और अपन बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब की भी अगर अपन बात करें तो वो AERB और BARC के अंडर ही सब कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है। और जितने भी अपने जो मेडिकल इक्विपमेंट है, जैसे DRDO होता है, DRDO एक इंडिया का डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया के लिए वेपन्स बनाता है, तो उसी टाइप से जो जितना भी आयोनाइजिंग रेडिएशन और न्यूक्लियर का जितना भी जो अपने एक्सपेरिमेंट या अपन जिनको बोल सकते हैं कोई भी नया डेवलपमेंट या कोई भी एनहेंसमेंट कोई भी इक्विपमेंट के अंदर, लेकिन अगर वो आयोनाइजिंग रेडिएशन और न्यूक्लियर रेडिएशन के अंदर है तो वो AERB की गाइडलाइंस के अंदर ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं, रूम लेआउट फॉर एन एक्सरे इंस्टॉलेशन। एक्सरे इंस्टॉलेशन, एक सिंगल एक्सरे या एक सिंगल एक्सरे ट्यूब को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पहला इसमें पोर्शन दिखाया गया है लोकेशन, तो लोकेशन शैल बी लोकेटेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई ऑक्यूपेंसी प्लेसेस और डिपार्टमेंट। जो आपका एक्सरे रूम होता है, आपको पता है कि एक्सरे आयोनाइजिंग होती है, तो एक्सरे जो रूम है वो हाई ऑक्यूपेंसी मतलब जहाँ पे आपका रिसेप्शन होता है उससे थोड़ा दूर होना चाहिए, या जहाँ पे जिस एरिया के अंदर ज़्यादा आपका रश रहता है या भीड़ रहती है उस एरिया से अपने को एक्सरे रूम दूर रखना चाहिए। तो जैसे अपन देखते हैं कि मेनली जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर, या तो हॉस्पिटल के अंदर सबसे बेसमेंट के अंदर जो एक्सरे रूम होता है, मतलब एक्सरे रूम, MRI, CT स्कैन वगैरह, मतलब जितने भी रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट या जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बेसमेंट में होते हैं, और या फिर सबसे ऊपर होते हैं, मेनली सबसे बेसमेंट में होते हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे कम जो रश रहा है वो रहता है। फिर दूसरा है, इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन इज लोकेटेड इन रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्स इट शैल बी इंश्योर दैट। अगर बाई चांस अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है और आप उसको रेजिडेंशियल एरिया मतलब किसी सोसाइटी के बीच में या जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाई ऑक्यूपेंसी एरिया है वहाँ पे अगर आप एक्सरे इंस्टॉल करते हो या एक्सरे के कोई भी इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, वॉल्स ऑफ द एक्सरे रूम ऑन विच प्राइमरी एक्सरे बीम फॉल्स और नॉट लेस देन 35 सेंटीमीटर, ब्रिक्स और इक्विवेलेंट। जहाँ पे सबसे पहले एक्सरे की जो किरणें हैं या जो एक्सरे जो रे है वो जिससे टकराएगी वो मिनिमम 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
ब्रिक्स की बनी हुई या कंक्रीट से बनी हुई, और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट के अंदर और भी चीज़ होती है, जैसे ब्रिक्स का इक्विवेलेंट हो गया जो हार्ड रॉक्स हो गए, या अपन इसमें लेड भी यूज़ करते हैं, या कंक्रीट हो गया, तो इक्विवेलेंट का मतलब है इसमें कंक्रीट से। फिर बी है वॉल ऑफ एक्सरे रूम ऑन विच स्कैटर रेडिएशन फॉल्स। स्कैटर रेडिएशन मतलब जो रे एक बार टकराने के बाद दूसरी बार कहीं पर टकरा रही है या दूसरी बार किसी से इंटरेक्ट कर रही है, तो वो कम से कम 23 सेंटीमीटर, मतलब नॉट लेस देन 23 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एक्सरे रूम की वॉल्स। प्राइमरी वॉल होना चाहिए वो 35 सेंटीमीटर की, सेकेंडरी जो वॉल है वो होनी चाहिए 23 सेंटीमीटर की, और जो एक्सरे रूम है वो अपना हाई ऑक्यूपेंसी एरिया से या हाई रेजिडेंसी से दूर होना चाहिए। और इसमें ये होता है कि आपको एक रूम के अंदर एक ही या सिंगल मशीन ही इंस्टॉल करनी चाहिए। अब अपन लेआउट की बात करते हैं। द रूम हाउसिंग ऑफ एन एक्सरे यूनिट शैल बी अप्रोप्रिएट एरिया टू फैसिलिट ईजी मूवमेंट ऑफ द स्टाफ एंड पेशेंट पोजिशनिंग। कम से कम रूम का एरिया इतना होना चाहिए कि उसमें, या उस रूम को ऐसे अपने को सेट करना है कि जिसमें पेशेंट की पोजिशनिंग और जो रेडियोग्राफर या जो स्टाफ है वो आराम से अपने मूवमेंट कर सके और पोजिशनिंग लगा सके। अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरल शील्डिंग शैल बी प्रोवाइड ऑन वॉल्स। एक्सरे रेडिएशन आपको पता है कि चीज़ों को क्रॉस कर सकता है या पेनिट्रेट कर सकता है, तो वॉल्स हो गए, डोर्स हो गई, सीलिंग्स हो गई, फ्लोर ऑफ द रूम, इनके सब के ऊपर एक शील्डिंग होनी चाहिए। जैसे अगर फ्लोर है तो फ्लोर एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसमें खड्डे हो, क्योंकि वहाँ कोई लिक्विड नहीं रहना चाहिए, वो भी अपने कैसेट को या अपने डिटेक्टर को हार्म कर सकता है। और जो अपने खिड़की दरवाजे डोर्स वगैरह है, मतलब कहीं भी अगर वेंटिलेशन के लिए जगह है, तो वो भी प्रॉपर शील्डेड होने चाहिए। और किससे शील्डेड होना चाहिए? लेड से शील्डेड होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रूम का साइज़। रूम का साइज़ क्या होना चाहिए एक एक्सरे यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए? द रूम हाउसिंग ऑफ एन एक्सरे यूनिट शैल बी नॉट लेस देन 18 मीटर स्क्वायर। 18 मीटर स्क्वायर से कम अगर आपका एक्सरे रूम है तो वो गवर्नमेंट से जब भी वेरिफिकेशन आएगा तो वो आपकी मशीन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एक आप एक्सरे यूनिट इंस्टॉल करने से पहले ये ध्यान में होना चाहिए कि जो अपना रेडियोग्राफी रूम है या जो कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के लिए जो अपना एरिया है जहाँ पे, वो 18 मीटर स्क्वायर से लेस नहीं होना चाहिए। आल्सो नॉट मोर देन वन यूनिट और टाइप शैल बी इंस्टॉल्ड इन द सेम रूम एंड नो सिंगल डायमेंशन ऑफ एक्सरे रूम शैल बी लेस देन 4 मीटर। यह हम पहले बात कर चुके हैं कि एक्सरे रूम, एक रूम के अंदर एक सिंगल यूनिट ही इंस्टॉल करनी चाहिए। अगर ज़्यादा अगर अपन यूनिट इंस्टॉल करते हैं तो उसको भी जब वेरिफिकेशन के लिए टीम आएगी तो AERB या BERC से टीम आएगी, वो इसको कैंसिल कर देगी। नेक्स्ट अपन आता है वार्निंग लाइट। तो ये वार्निंग लाइट एंड वार्निंग साइन भी बोल सकते हैं या बोर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप एक्सरे रूम पे जब भी आप विजिट करते हो हॉस्पिटल, कभी अगर आपने विजिट किया होगा तो देखा होगा कि वहाँ पे प्रेग्नेंट वूमन से लेके उस पर क्रॉस लगा के एक साइन होता है, ताकि वो इसलिए होता है कि प्रेग्नेंट वूमन पे अपन एक्सरे है वो नहीं यूज़ करते हैं, उससे उनके फिटस को हार्म होता है। उनके लिए प्रेग्नेंट वूमेंस होते हैं उनके लिए होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, या जिसको अपन USG भी बोल सकते हैं। अब वार्निंग लाइट देखें तो ए सुटेबल वार्निंग साइन सच एज रेड लाइट मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द कॉन्स्पेसियस प्लेस आउटसाइड द रूम केप्ट ऑन वाइल यूजिंग यूनिट इज इन यूज टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ पर्सन नॉट कनेक्टेड विद द एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट। तो इसका मेनली अपन इसमें यह है कि एक रेड लाइट अपन देखते हैं, जैसे अगर आपने मूवी देखते हो तो मूवी में देखा होगा कि हॉस्पिटल जो थिएटर होता है, जो OT होता है, OT के आगे एक अपन बल्ब बोल सकते हैं वो जल रहा होता है, या एक ट्यूबलाइट हो सकती है उसकी जगह बल्ब, मेनली रेड कलर का एक बल्ब ही होता है, रेड लाइट होती है। और रेड लाइट क्यों यूज़ होती है? क्योंकि वो ईजी होती है देखने में, अपनी आँखें उसको जल्दी कैप्चर कर लेती है। तो एक जब भी कोई भी ऑपरेशन या कोई भी प्रोसीजर चल रहा होता है तो अपने को रेड लाइट हमेशा ऑन रखनी चाहिए, या रेड लाइट अपने जो रूम है उसके बाहर होनी चाहिए, और वार्निंग साइंस भी होने चाहिए कि आयोनाइजिंग रेडिएशन है तो इसमें कम से कम रुकें, ये साइंस भी वहाँ होने बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडल लेआउट एक्सरे इंस्टॉलेशन। ये आप सभी को गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर एक नंबर पर दिखाया गया एग्जामिनेशन टेबल जो बीच में होनी चाहिए, दूसरा होता है स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तीसरा होता है कोलमन स्टैंड जिस स्टैंड पे अपन यूज़ करते हैं, फिर एक्सरे ट्यूब हेड 4 नंबर पे आप देख सकते हैं जिस पे अपनी ट्यूब लगी होती है, फिर 5 नंबर पे होता है 5 और 6 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक, ये जो आपको बगल में दिख रही है जिसको अपन
ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, छोटा ट्रांसफार्मर जो अपने ट्यूब को यूज़ करता है या अपने ट्यूब को चलाता है। फिर 7 नंबर पे है चेस्ट एंड, जहाँ पे अपना डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर भी बोल सकते हैं इसको अपन। 8वां है कंट्रोल यूनिट, जिसको अपन कंट्रोल सेटअप बोलते हैं, जहाँ से अपन केवीपी और एमएस सेट करते हैं। फिर अपना है लास्ट में एमबीपी विद लेड ग्लासेस, जो अपनी शील्डिंग होती है उसको रेफर किया गया है। तो ये अपना पूरा एक एक्सरे रूम का डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको जो लीफ टाइप का जो गेट है, आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सरे रूम के गेट होते हैं वो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो उसमें आपको जो दिखाया गया है सिंगल लीफ डोर दिखाया गया है, जिसमें 2.0 mm की जो लेड है वो यूज़ करी गई है। और जो इस एग्जामिनेशन रूम के जो वॉल्स है वो 23 सेंटीमीटर भी आपको इसमें अलग से शो किया गया है। तो ये लेआउट ऑफ एक्सरे रूम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कन्फर्म आता है, तो इसको एक बार याद कर लीजिए। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है, ट्रेनी द इफेक्टिव डोज इन एनी कैलेंडर शैल बी नॉट एक्सीड देन 6 मिलीसीवियट। पब्लिक के लिए इफेक्टिव डोज क्या होती है, 1 मिलीसीवियट। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, अगर आपको कोई डायग्नोस्टिक सेंटर या कोई भी अगर आपको एक्सरे रूम इंस्टॉलेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट MBBS के बाद में MD वाला भी, और या फिर एक अनदर ऑप्शन भी होता है कि MBBS के बाद PG या डिप्लोमा होता है रेडियो डायग्नोस के अंदर। अगर आपके पास अगर आपको अगर एक एक्सरे रूम इंस्टॉल करना है तो एक MBBS के बाद आपको डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस या फिर MD करना पड़ेगा, जिसको अपन रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसी के बाद अपन जो एक एक्सरे यूनिट है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट होता है, या जिसको अपन रेडियोग्राफर भी बोल सकते हैं, रेड टेक और रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट, तो 10+2 होना चाहिए या उसके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, नहीं तो फिर अनदर जो होता है वो होता है BSc बैचलर ऑफ रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये है जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब 12th के बाद, 12th के अंदर आपके पास होना क्या चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, तभी आप ये जो कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर RSO, RSO कौन होता है, सर्टिफिकेशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द इफेक्ट ऑफ RSO डेजिग्नेट इज कैपेबल फॉर फुलफिलिंग द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ एन RSO एज लेड डाउन। अब RSO क्या होता है, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। आपके अगर पूरे डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी रेडिएशन के अंदर या रेडिएशन डिवाइसेज के अंदर दिक्कत आती है तो आपको सबसे पहले RSO को इन्फॉर्म करना होता है, जो कि आपका ऑफिसर होता है। फिर सर्विस इंजीनियर भी जरूरी होता है एक डायग्नोस्टिक सेंटर या एक हॉस्पिटल के अंदर, डिग्री एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट यूनिवर्सिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की अपनी वीडियो, जिसके अंदर अपन ने ARB का जो गाइडलाइंस है वो देखी और अपने को एक्सरे रूम का लेआउट कैसा होता है ये देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए।